Hello guys, I'm Saloni. Welcome to my channel Saloni Swag. Today I show you how to get ready for simple saree look. So let's start the video. So guys, first of all मैं यूज करूंगी निविया मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस. जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, आप बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर स्किप ना करें. ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है. गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लिप पे लिप बाम अप्लाई कर लिया था ताकि मेरा लिप सॉफ्ट हो जाए और इस पे लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई हो. सो आप भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने लिप पे लिप बाम जरूर अप्लाई कर लें. सो गाइज, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर, जिससे अच्छे से अप्लाई हो हमारे फेस पे. सो गाइज, इसके बाद मैं अपने फेस पे ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम अप्लाई करूंगी, ऑल इन वन बीबी क्रीम. इसको मैं ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी. सो गाइज, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है. सो गाइज, अब इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी अपने नोज पे और अपने चिक पे. अपने नोज पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हाइलाइटर ब्रश से, अपने अपर लिप और अपने चिन पे इसको अप्लाई करना है. इस ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी. सो जैसा कि आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है. सो गाइज, अब मैं ब्लश करूंगी. सो जैसा कि आप देख सकते हो ये भी हो चुका है. अब मैं अपना आईब्रो कलर करूंगी इस ब्रश की हेल्प से. सो गाइज, मेरा आईब्रो सेट हो चुका है. इसके बाद मैं अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी. सो गाइज, अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी, पिंक सेट की आई शेडो. आप अपने ड्रेस से मैच करके भी अपना आई शेडो सेलेक्ट कर सकते हो. अब मैं अपने इनर आई कॉर्नर पे ये लाइट पिंक कलर का शाइनी आई शेडो अप्लाई करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हो. इसको मैं डबल शेड लुक दे रही हूँ. मैं बहुत ज्यादा डार्क आई शेडो नहीं यूज कर रही हूँ. सो गाइज, आप देख सकते हो ये हो चुका है. सो गाइज, इसके बाद मैं ये लैक्मे का लाइनर अप्लाई करूंगी.
सो गाइज मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो ये कैसा लगा है। सो गाइज अब मैं ये लैक्मे का मस्कारा यूज करूंगी। सो गाइज मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, अब मैं ये पिंक कलर का किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई कर। सो गाइज लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं ये पेंसिल लिपस्टिक से अपने लिप पे आउटलाइन बना लूंगी, जिससे हमारे लिपस्टिक का शेप काफी अच्छा है। गाइज आपको ब्रश पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिपस्टिक नहीं लेना है। उससे क्या होता है हमारी लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई नहीं होती है, कहीं ज्यादा और कहीं कम अप्लाई होती है, जिससे वो बहुत भद्दा लुक देते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक ही बार में ब्रश पे लिपस्टिक लिया था। सो गाइज मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी। सो गाइज कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।